स्वयं कामदेव ही मानो भगवान श्री राम का घोड़ा बनकर के आया। देवी पार्वती ने कहा भोलेनाथ आप मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे और कामदेव आपकी दृष्टि के सामने आ गया तो क्या होगा, कामदेव भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा देवी चिंता मत करो, इसके पहले जब काम आया था तो काम आम पर बैठा था और काम स्वच्छंद था, लेकिन आज जो काम है वह स्वच्छंद नहीं है, आज काम घोड़ा बना हुआ है और काम के मुंह का लगाम श्री राम के हाथ में है। इसका तात्पर्य क्या है, देखिए हमारे यहां चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे शास्त्रों में काम की मनाही नहीं की गई है, अपितु काम भी चारों पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है, काम की मनाही नहीं है, लेकिन हमारे यहां अनियंत्रित काम की स्वीकृति नहीं है, हमारे यहां नियंत्रित काम की स्वीकृति है। हम भी विवाह करने जाएं, काम तीसरा पुरुषार्थ है, और विवाह संस्कार के अनंतर हर व्यक्ति अपने जीवन में इस तीसरे पुरुषार्थ को स्वीकार करता है, लेकिन धर्म हमें सिखाता है हमारे जीवन में अनियंत्रित काम न हो, हमारे जीवन में स्वच्छंद काम न हो। हमारे भारतीय संस्कृति में काम की स्वीकार्यता तो है, लेकिन नियंत्रित काम की स्वीकार्यता है। आज जो काम है उसके मुंह का लगाम श्री राम के हाथ में है, इसलिए यहां कोई अमंगल होने वाला नहीं है। अमंगल वहां होता है जहां काम अनियंत्रित होता है।